इस युग में वरदान है कि भाई भाई को मारेगा, रिश्ते कलंकित होंगे, ये सभी जानते ही हैं। लेकिन ये सब कहानी लगती थी। ये पूरा मामला मंदसौर के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां एक भाई ने अपने भाई को तलवार से काट दिया। इतना ही नहीं कि जमीनी विवाद इतना बड़ा कि गोलियां भी चली और कई लोग घायल भी हुए। इसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से जमीनी विवाद की एक घटना सामने आई है। दोनों ही परिवार के जमीनी विवाद की तनातनी के बीच गुरुवार की शाम कचरा फेंकने की बात पर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि छोटे भाई ने बड़े भाई के परिवार पर तलवार से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गोली भी चलाई गई। खैर, गोली चलाने की बात पुलिस ने नकार चुकी है। मारपीट की इस घटना में एक पक्ष के पिता, पुत्र और महिला घायल हुए हैं। इसमें साबिर हुसैन मंसूरी और उनके बेटे सरफराज मंसूरी सहित पत्नी जैनवी घायल हुई है, जिन्हें उपचार के हेतु तुरंत जिला अस्पताल मंदसौर ले जाया गया है। इधर विवाद की सूचना पर मौके पर नाहरगढ़ थाना प्रभारी गिरीश जुलेलकर अपनी टीम के साथ पहुंचे। वहीं एसडीओपी सौरव कुमार ने भी घटना का जायजा लिया। पुलिस ने बारीकी से घटना की जानकारी लेते हुए हमला करने वाले आरोपी गुलाम हुसैन मंसूरी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं अस्पताल पहुंचकर घायलों की स्थिति जानी। वहीं घायलों का उपचार मंदसौर जिला अस्पताल में चल रहा है। अभी घायल आए संजीत नाके से, तो तीन पेशेंट आए, और तीनों पेशेंट एक तो साबिर है, सरफराज है और जैतून भी करके है, और बोला कि गोली लगने से चोट आना बता रहे हैं, और तीनों पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड है और ऐसा कोई डेंजरस तक तो कोई दिख नहीं रहा है। बाकी सब पेशेंट गोली चलने की कोई निशान घटना गोली चलने के तो कोई निशान नहीं देखे हैं। एक व्यक्ति को बैक में लगा, कटा फटफटा सा लग रहा है, और एक को सिर पर थोड़ा लगा है, और कोई बुलेट जैसे तो कोई अभी निशान नहीं। तो सर क्या प्रतीत हो? अभी तो प्रथम दृष्टया में एक्सरे कराया है, एक्सरे के बाद ही मैं बता पाऊंगा क्या स्थिति है। तो सर गोली चलने की घटना हुई दिख रहा है? गोली चलने की हिस्ट्री दी है, पर जो प्रथम दृष्टया मैंने जो जांच की, जांच में तो मेरे को कोई गोली के निशान नहीं पाए। आपका नाम? डॉक्टर के तब कटारे एम एस आर्थोपेडिक सर्जन। इसमें तीनों में से स्थिति किसी की गंभीर? तीनों में से एक भाषा है साबिर करके उनको थोड़ा चेस्ट में इंजुरी लग रही है, तो चेस्ट के बारे में ये नहीं कह सकता कि कितना गहरा डीप है, तो उनकी थोड़ी स्थिति क्रिटिकल लग रही। बाकी तो सब कॉन्शियस है। अभी किसी को रेफर तो नहीं किया था? अभी तो रेफर नहीं किया है, अभी अपने कंसल्टेंट को बताता हूँ। कंसल्टेंट के ओपिनियन के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन से पेशेंट को रेफर करना, किसको नहीं करना। आपका नाम बताइए। डॉक्टर बी एस कटारे, एम एस आर्थोपेडिक सर्जन।